खिलाओ तुम्हें बन और अंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। आओ खिलाओ तुम्हें बन और अंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। इसमें छिपा है कर्जों का सिलसिला, हाँ इसमें छिपा है कर्जों का सिलसिला। बन में अंडा, अंडा अंड में बंडा, अंडा आओ खिलाऊं तुम्हें बन और अंडा। हाँ नूर में बन अंडे वाले बोलते हैं। तेरे को कितनी बार बोला मैं ऐसा अचानक नाजिल नहीं हो जाना, बोल के मैं था बोल के बच गया। अगर कोई छोटे बच्चे रहते खुदा ना खासा हैबत था कि बेहोश हो जाते तेरे को ऐसा अचानक देख लिए तो। ऐसा बोल दे रहे क्या भाई? तेरे को मैं मेरी बन अंडे की बंडी पे कहीं को रखा मान लो। तेरे को रखने के दो वजूहत है, दो फायदे है तेरे को रखने के मेरे साथ। पहला फायदा ये है, एक तो तू मेरे काम में हाथ बटा सकता है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है, तेरे जैसे काले भिलावे को अगर मैं बंडी पे रखा तो मेरे कारोबार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती, समझा? अरे ये क्या बेकार बात कर रहे भाई। अरे मियाँ मैं सुना जब तू पैदा हुआ था तो तीन दिन खाली तेरे को डांट लेकर ढूंढना पड़ा था, देना सही है भाई? अब यार लॉन्ड फाइनेंस करेंगे, कारोबार करेंगे। तो इतना सीरियस कहीं को रहता है? हंसते बोलते रहना मियाँ, इंसान हंसी मजाक में कारोबार होता, देख अब कैसा हंसते बोलते कारोबार करता देख। ये लीजिए साहब। कितने भाई? 15 रुपए दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया साहब। देखा कैसा हंसते बोलते 15 रुपए का कारोबार कर दियो। बस डाउंडे शब्बाश बोल रहा, उंगली दे तो पहुंचा पकड़ रहा, क्रेडा उठा वहां जाके शब्बाश करते साले फ्री हो रहे। आ नूर भाई बनाओ लेट वाले बोलते। सलाम अलैकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियां, वालेकुम सलाम। क्या टोपी पहने नूर भाई, क्या बात है? टोपी नहीं होती मियां। फिर क्या है भाई? लंदन से स्पेशली मेरे यहाँ से कस्टमाइज करा के मेरा दोस्त भेजा है, ये इम्पोर्टेंट हैट बोलते हैं इसको। जबरदस्त है भाई। शुक्रिया मियां, तुम्हारे को भी होना तो बोलो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, शहबाज खान 157। ठीक है भाई मैसेज करता हूँ। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं कचली बना रहा हूँ? पानी ले वहां से, सवाद होने का है। नूर भाई बनंडे वाले बोलते। अरे अरे 2 घंटे से चौरस्ते पे ठहरा रहा हूँ मैं, कुछ फिरा रहे आओ जल्दी। सलाम अलैकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम भाजन। देख मियाँ बच्चा कितनी इज्जत करता, देख अब खानदानी लोग ऐसे रहते। जी भाजन। अरे क्या उस्ताद नूर भाई, तुम भी बिन पेंदे के लोटे के सर के हो गए उस्ताद, एक जगह टिकरेश नहीं, कभी पान वाले, कभी चाय वाले, कभी तरकारी वाले, कभी मेडिकल वाले, कभी जिम वाले, कभी किराना स्टोर वाले, कभी बनंडा वाले। एक कारोबार करो ढंग का ईमानदारी से, कहीं को जो थाली के बैगन के सर का कभी उधर कभी इधर तिरगी तिरगी फिर रहे। वाकई में खानदानी आदमी उस्ताद। हाँ फिर। अरे वो बेकारों के जमेदार, मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मेहनत करने की जुस्तजू है मेरे अंदर, इसके वास्ते 1 से 10 काम करते रहता हूँ मैं। तेरे सरकार समझा क्या? सौदे में से पैसे चुराने वाले, सौदे में से पैसे चुराने वाले। बोलो बस्ती वालों को कहाँ से आ रहे सो अंडे? हाँ क्रेडा बरबर के अंडे कहाँ से आ रहे बोलो, पूरी बस्ती में? हाँ बोलो क्या, कहाँ से आ रहे सो अंडे? अरे भाई बुरा मान गया अपरे भैया, क्या डबल अंडे का आमलेट डाल जल्दी। अरे मैं दो लफ्ज भी नहीं बोल सकता, मैं मजाक से मजाक कर रहा था, बड़े भाई के सरकारी हूँ, इतना आँख नहीं है मेरा, थोड़ा दो बोल नहीं बोल सकता, मैं मजाक नहीं कर सकता, इधर आप आमलेट खा ले कि जरा। अरे हल उन खाते ही तुम्हारे गली संडे का आमलेट, तुम ही खा लो चल। अरे क्या नूर भाई, सामने का बच्चा इज्जत की बेइज्जती कर दिया और तुम कुछ भी नहीं बोले। पैसा नहीं रे मेरे काले शान महकल, कभी कभी क्या है खामोश हो जाना, बर्दाश्त कर लेना, चुप हो जाना, किसी को माफ कर देने से ऊपर वाला खुश होता, इसके आस्ते कभी कभी माफ कर देता हूँ मैं। माफ कर देते
जो 5,000 रुपए एडवांस लिया क्या वो भी माफ कर दे रहे मेरे को? मैं कभी कभी माफ करता हूँ बोला, हमेशा नहीं। अंडे दे। हाँ, मैं क्या मुर्गी हूँ अंडा देने के वास्ते? अरे वो जाहिल के बच्चे वहाँ क्रेड मशीन लेके अंडे दे। हाँ दे रहा हूँ। अरे मियाँ, आजकल के मुर्गिया कमजोर आ रहे सरकार दिख रहा, अंडे दिन पे दिन छोटे होते जा रहे। मुर्गी की तबीयत खराब होंगी भाई। ये भी हो सकता। अरे लतीफ, ले क्या यार ऐसा लड़ने आए सर के अंग पे आ रहा? ले भाभी के हाथ से एक बनंडा ले लेके जा घर को। नको नको भाई, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे पूछा मैं तेरे को, ले लेके जा रहे, फ्री है ले लेके जा। अम्मा नको भाई, इससे पहले भी फ्री है लेके जा, फ्री है लेके जा बोल के तरकारी दिए थे तुम। उसके बाद लगातार चार इतवार मेरे घर से सालन मंगा के खाए तुम। अब कुछ भी नहीं मंगाता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता हूँ, ले लेके जाए। ले जाएगी मेरे को डॉटी छोरा। ऐसा है तो जान दे, जा चल। अच्छा अच्छा जान दो भाई, दे दो दे दो। फ्री है बोल के दे रहा हूँ, ले लेके जा। शुक्रिया अनूर भाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं, जा। सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियां। कभी हमारे को नहीं दिया ऐसा फ्री में बनंडा। वो फ्री का नहीं था रे, फिर प्रमोशन का था। मतलब? मतलब ये है कि जैसा बड़े बड़े कंपनियां रहते अपने एडवर्टाइजमेंट कराने के वास्ते, अपना ब्रांड प्रमोशन कराने के वास्ते करोड़ों रुपए डालते, इसके वास्ते मैं भी क्या कहा, मेरा ब्रांड प्रमोट करने के वास्ते एक बनंडा फ्री में दे दिया। और वैसे भी इसकी बीवी को बनंडा बहुत पसंद है। आस्टो ने मोतावरी से ले जाके बीवी को खिला था, डेली इसकी बीवी जिद करती बनंडा लेके आओ बनंडा लेके आओ बोल के। आस्टो ने फ्री में लेके गया, कल से रोज आना पैसे देके अपने पास से बनंडा लेके जाता और यार अपना रेगुलर कस्टमर बन जाता। अरे वाह नूर भाई, क्या दिमाग है तुम्हारा, क्या समझ रहा फिर, बिजनेस स्ट्रेटजी बोलते इसको। लेकिन एक बात बोलो साथ, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। क्या? उसकी बीवी को बनंडा पसंद है बोल के, तुम्हारे को कैसा मालूम? अलग है रे। नूर भाई कहीं के मजे ले रहा है लौंडे, सामने की बच्ची है वो, मेरे बहन के सर की है उन्हें। और अब तू निकल यहाँ से, तू ठहरे जब से 1 रुपए का ग्राहक नहीं हुआ, प्लासी लग जा रही बंडी को, निकल चल। जा रहा हूँ लौंडे का। ग्रेक निकला क्या बंदरा कुधर, मैं तो तीर को बन देता हूँ साले। बाता करते करते चौबा फिराने जा रहे, नूर भाई बोलते मेरे को, जा सुई नहीं घुसती वहां चप्पल घुसा तो क्या मुस्कुरा रहा, काम कर। निकाल मियां। हफ्ता इतवार के दिन का एक हफ्ता, कौन तो भी है भाई। क्या हुआ चिच्चा, हम कौन? हाँ चिच्चा, तेरे छोटे भाई से 10 साल का छोटा होगा मैं, चिच्चा किसको बना रहे लौंडे। हम कौन? यार खां सुबेदार दूल्हे वाले, तालाब पट्टे के रहने वाले, अच्छे अच्छों को फाड़ डाले, चमकदार नोकदार तलकदार, बिन मुटकी जंग भरी तलवार, मुच्छी की धार से चरपड़ा मारा तो घुटते बाहर आ जाना, बड़ी बात से तो वहां नाची इसको छोटू तुम क्या बोलते। नूर कुलाड़ी बोलते बोई। उठा पहले, घर के छोटे बच्चे और इज्जतदार खवातीन देखते अपने वीडियोस। बेटा एक पुरानी कहावत है, इंसान हर बिल में हाथ नहीं डालना, सब में छुआ नहीं निकलता, किसी किसी में सांप भी निकल जाता। और ये सब चीजा जो भी कारखाने में तू सिखाना, उसका हेड मैकेनिक आज भी कुछ भी नया फॉल्ट आया तो मेरे को फोन करके पूछता, नूर भाई ऐसा बोल के समझ आ रही हत्ती के बच्चे। माफ कर दो भाई, गलती से गलत जगह आ गया मैं, आइंदा से बस्ती में ले दिखता हूँ भाई, माफ कर दो। वो तो ये बस्ती में 100% न्याता है तू, लेकिन अब आया सोचते हो 10 बनामलेट ले लेके जा। शुक्रिया शुक्रिया भाई नूर भाई, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, पैसे दे के लेके जा रहे मियाँ, पलान क्या से 10 बनामलेट पैक करो जल्दी। अरे भाई मैं तुम्हारा को लूटने आया, तुम मेरे को लूट ले रहे क्या? मैं तेरे को तेरे सर का लूटा नहीं, मैं अपनी मेहनत का हलाल का ले रहा हूँ तेरे पास, और तेरे को एक मशवरा भी दे रहा हूँ। हराम की कमाई में ना बरकत रहती और ना हराम की कमाई आंकू लगती, हराम की कमाई भी दौलत हराम में जाती। और तुम्हारे जैसे थोड़े ऐसे भी लोग आए दुनिया में जो आड़े तेड़े दीवाने काम आ करके अंदर चल जाते, लेकिन पीछे जोरू बच्चे कितने परेशान हो रहे वो नहीं सोचते, हमेशा हक हलाल की कमाओ, सुकून रहता, बरकत भी रहती और आंकू भी लगता। सही बोले नूर भाई, सही बोले। आज के बाद कभी ये कारोबार नहीं करता हूँ, कभी ये फील्ड में नहीं रहता हूँ, हक हलाल की कमा लेता हूँ, जोरू बच्चों को हक हलाल का खिलाता हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई आपका। कई को किसकी बदवा में रहते,
दुआ में रहो लोगों की, ऊपर वाला भी हलाल के रास्ते खोल देगा तुम्हारे। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, जा अल्लाह तेरा भला करे। अरे मियाँ पहलवान के दाल के दे दो 10 बना आमलेट, पैसे ले लो। ठीक है चलिए। शुक्रिया नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या जबरदस्त मैसेज दिया नूर भाई, कितने की लोगों को सुधार दिए। हाँ फिर क्या समझ रहा, जबान में भी वो तासीर होना पड़ता है आगे वाले को बोलने के वास्ते। लेकिन तुम कब सुधरते की? हाँ अगर एक भी अंडा जला तो समझ जा फिर। बना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वजन। इन्हें अलग नए भिखारी को भीख के जल्दी सरका। मैं कुछ भी नया कारोबार शुरू करते ही कुछ ना कुछ मंगने आ जाता। क्या मंगने आया भाई? क्या भाई यार, भिखारी जी करो मतबाकू मंगने आया बोल रहे। दिखने की क्या बात है, हर्ष तू भिखारी आपा। अरे बस कर रहे भाई, ये बात करे कि आपा आपा बोल के भागा तो अलग ही दिख रहा हो। क्या होना बोल, एक सेकंड ये क्या करा लिया रे? पहले से तेरे को 2 मुआ थे, अब 3 मुआ हो गए तेरे पलट इधर। सलाम वालेकुम भाई जान, खैरियत भाई जान? क्या दिख रहा तेरा मुंह पीछे का? क्या मजाक कर रहे भाई जान? क्या होना बोल, कहीं को आया? वो आपा एक बनंडा जो बोल रहे। हाँ सुबह में मैं इनको पूछा बना आमलेट लाऊं के आते खत बोले तो नहीं बोल के बोले इनू, छी बोल के बोले। फिर अचानक बना आमलेट कैसा मंगाए इनू, कहीं ने तो फिटिंग नहीं कर रहा। एक बोले दो बोले आपा? दो बोले भैया। अच्छी बात है जी। जरा वो जुलाब का पाउडर निकाल। बना दो बना आमलेट। बन रहा अभी बन रहा। अच्छा स्पेशल बनाने लगा रहा तेरे वास्ते, मेरा प्यारा साला है तू। ये लीजिए भाई, तैयार हो गया। ले। शुक्रिया भजन, भजन साला। ठीक है जा। अरे क्या नूर भाई, भाभी भी अंडा बन मंगाए तो उसमें भी जुलाब की गोलियां डाल के दे दिया क्या? भाभी के वास्ते नहीं था वो, फिर वो थोड़ी देर में मालूम होता। ऐसा नहीं बना वहां पे। हाँ नूर भाई बना आमलेट वाले बोलते, जरा देखते रहे मैं प्यार। आमलेट बन लो आमलेट, जलिया जलिया। नूर भाई नहीं है, नूर भाई नहीं है, जलिया ये। वाह बर्दाश्त ना करा रे, देखो मत दरा करा रे, मामा मकून पकड़ लिया रे, जोड़ा रे मत दरा करा रे, अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द रहा भजन, कौन की पकड़ ले जैसा दे रहा भजन, वो बहुत दर्द रहा भजन पेट में। असल में तू सुबह से कुछ भी नहीं खा बोल के तेरे पेट में दर्द हो रहा शायद, थर में तेरा से बना डाले क्या? तुम्हारे को झूठ बोला भजन, वो बनंडा आपा मंगा रहे बोल के मैं खा लिया भजन, जब से पेट में दर्द हो रहा भजन मेरे। देखा तू मेरे पास झूठ बोल के बनंडा ले जाए खाया बोल के तेरे पेट में दर्द हुआ, अगर तू मेरे पास सही बोल के बनंडा ले जाए खाता था तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता था। इसके वास्ते बोलते कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। भजन मेरे को माफ कर दो भजन, मैं आज के बाद कभी भी झूठ बोल के नहीं खाता भजन। ठीक है आज के बाद मैं भी दवा नहीं मिला तो अब दवा 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 खिला तो कुशल दवा खिला तो पकड़ लो भजन।